जब हम पौधे लगाते हैं तो क्या होता है, आपने लगाया सपोज कटहल का पेड़, आपने लगाया सपोज आम का पेड़, तो क्या होगा, कटहल का पेड़ आम का पेड़ आप 10 साल 12 साल 15 साल रखेंगे तो आपको पता है उसमें अच्छे आम होंगे, बिकॉज आपने उस वेरायटी का कटहल का पेड़ ढूंढ के लगाया है, उस वेरायटी का आम का पेड़ ढूंढ के लगाया। लेकिन अगर आप पालक डाल देते हैं, धनिया फेंक देते हैं, या वट एवर जो किचन गार्डन में देखे मिर्ची के पौधे लगा देते हैं, अब उसमें क्या है, जब आप लगाएंगे तो वो आपने देखा होगा कई बार वो सूख जाता है, मर जाता है, मिर्ची के पौधे में फूल आते हैं लेकिन मिर्ची नहीं आती है, टमाटर के, तो वो अब बहुत अच्छे भी आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी रिटर्न लेना है तो वो रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, अब कोई ऐसा सोचे कि मैं आम का पेड़ लगाऊंगा और मैं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद मैं उसमें से आम खाऊंगा, ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। हाँ, टमाटर का पौधा लगा के हो सकता है 1 महीने के बाद उसमें टमाटर आने लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 4 टमाटर आए उसके बाद कीड़े लग जाए। आम के पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे, ध्यान रखिएगा, कटहल के पौधे में कीड़े नहीं लगे, कभी नहीं सुना होगा कि कटहल का पौधा था उसमें कीड़े लग गए, लेकिन पालक के पौधे में, धनिया में, मेथी में, जो मतलब उसमें, तो वही बात है, यस बैंक, वोडाफोन, क्या होगा मुझे भी नहीं पता। हो सकता है आप को, कई लोग ऐसे करते, कई बार ऐसा हुआ मैंने कोई स्टॉक कहा भाई इसको फेंक फाक दो, कहां इसके चक्कर में पड़े हो, ठीक है, और पता चला कि 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद उसमें 20% की रैली आ गई, कहते सर आपने तो कह दिया था फेंक दो, ये क्या हो गया। मैंने कहा फिर वही बात है, मैंने ये नहीं कहा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, मैंने कहा कि ये चीज मेरी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रही, सिंपल सी बात, मेरे कुछ क्राइटेरिया उसमें फुलफिल नहीं। बस सर वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक तो आपकी सबसे अच्छी बात लगती है कि जब पैसों की जरूरत नहीं तो बेचना क्यों है बस, तो ना, आज भी तो मेरे पास मैसेज आता है सर बजाज फाइनेंस जो है 30% दे रहा है, बेच दूं, अरे बेच के करोगे क्या, फिर कुछ बस खरीदोगे, अब बजाज सर फाइनेंस से अच्छा मार्केट में क्या है आप बता दो मुझे, बजाज फाइनेंस के शेयर से अच्छा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देख लो, अगर आपको उससे अच्छा कुछ मिलता है और उससे सस्ता मिलता है उस जो जिस पी पे जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है तो फिर बेच दो उसको, राइट सर मुझे तो नहीं जी समझ में सर आता, वो तो फॉलो बेचना फॉलो क्यों कर है। रहे हैं सर, सर फॉलो कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे करके तैयार हो रहा है। होगा सर, होगा, थोड़ा टाइम पिछले लगेगा एक महीने लेकिन से मैंने स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, दो अकाउंट हो गए हैं, तो एक वाला क्लोज करने के चक्कर में लगा हूँ, वहां से फंड्स को रियलाइज करके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बस ये ध्यान ऐसा है। रखना है, हमें ना खरीदने में जल्दीबाजी करनी है ना बेचने में। रोज मेरे पास मैसेज आता है सर मेरे पास आई हैव 50,000 प्लीज सजेस्ट फ्यू शेयर्स, आई हैव 20, अरे हैं तो बैंक में पड़े रहने दो, रिसर्च करो, देखो इन्वेस्ट करने में। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूं जो कहते हैं जब मेरे पास पैसे आते हैं तो मेरे को नए कौन सा शेयर खरीदना है इसमें 6 महीने लगते हैं रिसर्च करने में, क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, विजय केडिया नाम है, सुन लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, वो यही कहते हैं कि जब उनके पास पैसे आते हैं किसी शेयर को बेच के या कहीं से तो कहते हैं मुझे नया शेयर रिसर्च करने में, ढूंढने में, उसको समझने में 5 6 महीने लगते, और यहाँ पे हमारे अकाउंट में 10,000 आते हैं तो कहते हैं सर कुछ सजेस्ट करो। तो वही बात है कि आपको विजन अगर आपका होगा तो आप उसमें इन्वेस्ट, देखिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है जैसे कि मैं एक ही लाइन कहता हूँ, आप अपनी बेटी की शादी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो। जिस दिन आपने इस फिलोसफी को समझ लिया कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए दूल्हा ढूंढना है तो मैं कितना रिसर्च करूंगा, ये कहीं से इफ बट ना रह जाए, उतना ढूंढ के आप शेयर खरीदिए और चुपचाप आराम से बैठे, राइट सर। आपको कभी दिक्कत नहीं। सर हेलो बाकी श्वेता जी, तो कैसे हैं आप, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके वॉइस में थोड़ा सा है, अगर आ आप, रही है, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए कैसे चल रहा है आपके लर्निंग, लर्निंग ठीक चल रही है सर। एंजॉय कर रहे हैं? जिस पर्पस से इस बैच को ज्वाइन किया था, जो थॉट प्रोसेस से ज्वाइन किया था, डेफिनेटली वो तो बहुत जो अच्छा है। जो पेमेंट आपने की थी, बहुत सोच के किया होगा, पता नहीं इतने कर रहे हैं क्या होगा, क्या आपको कहीं कुछ इसमें कुछ कमी लग रही है तो बहुत बताइए। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग में मुझे कुछ नहीं पता था मार्केट के बारे में, और एक डर जो था वो हमेशा था बट वो डर निकल गया अब, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, इवन आई वेरी हैव गुड, आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है अभी। करिए करिए, ठीक थैंक है। यू सर। मैं आप लोग को जोड़ूंगा, मैं आप लोग को पीएमएस के उसमें भी जोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि जब आपके लर्निंग के साथ जुड़ेंगे तो आप अच्छे से जुड़ेंगे। दिलीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप, अनम्यूट करिए, कैसे ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। अच्छा चल रही है आपकी लर्निंग, चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है, इवन काफी अच्छा चल रहा है सर। लग रहा है मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, आज मैं
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 3 साल में ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे रहेगा, 3 साल के बाद नीचे जाके कमेंट लिख दीजिएगा, 3 साल में निफ्टी 30,000 होगा, निफ्टी 30,000 होगा, यानी अभी ये 16-17,000 है, लगभग लगभग मैं डबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूं, जो चाइना के इकोनॉमी में पास्ट 25 ईयर्स में हुआ है वो इंडिया के इकोनॉमी में नेक्स्ट 25 ईयर में होने जा रहा है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बीच में एक ही चीज आती है, वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप डाउन हो जाती है। देखिए जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, देखिए कि इंडिया में कितने पोर्ट्स बन रहे हैं, देखिए कि इंडिया की रोड की कनेक्टिविटी, मैं तो मतलब आप यहां से चंडीगढ़ जाइए आपको ऐसे ऐसे हाईवे मिलेंगे, 4 हाईवे 5 हाईवे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसको, मतलब आज के 5-7 साल पहले 10 साल पहले मैं मेरठ जाता था, मुझे 4 घंटे से 5 घंटे लगते थे, आज एम्स के फ्लाईओवर से मैं मेरठ पे किले चढ़ा 40-45 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। मतलब कभी मैं सोच इवन सर नॉट इन यूपी की नहीं, मैं इवन मैं काफी स्टेट विजिट किया मैंने, इवन ऑफिस की तरफ से गोवा एंड सदर्न रीजन आल्सो आई वेंट देयर। तो जो नेटवर्क बन रहा है ना, रोड का जो नेटवर्क है ना, मतलब आप मतलब काफी मतलब रोबस्ट बन रहा है, आप जहां पे भी जाएंगे, अभी मैं मनाली गया था तो वहां पे भी टनल बन रही है, हर जगह जहां पे भी मैं गोवा में गया वहां पे भी फ्लाईओवर कुछ मतलब हर जगह कनेक्ट हो रहा है अक्रॉस दी इंडिया। इवन तो वही कह रहा हूं, जो कनेक्टिविटी है ना, देखिए बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार होगा, देखो लोग इंडिया में मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया की ये स्ट्रेंथ है, मैन पावर सबसे सस्ती मैन पावर इंडिया में मिलती है। जो बिजनेस को प्रॉब्लम होती थी वो होती थी एज कंपेयर टू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, और इसीलिए और धीरे धीरे क्या बल्कि मैं कहूंगा बहुत तेजी से सॉल्व हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 25 ईयर में ना, वो पिछले 25 ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं सर निफ्टी तो इतना बढ़ गया, अगर टाइटन को हमने तब खरीदा था तो कितना मजा आया होता, कुछ नहीं हुआ वो अभी। अभी ये जितने टाइम होने वाला है वो आपकी कल्पना, आप लोग वो लोग हैं जो इंडिया के बेस्ट टाइम में शेयर मार्केट में एंटर हुए, ये जान लीजिए आप लोग वो लोग, क्योंकि मैं तो पिछले 20 साल से हूं, मुझे पता है कि पिछला 20 साल वो रिटर्न नहीं बना है जो अगले 20 साल में बनने वाला। तो अगर आपके पास वेल्थ है तो उसको धीरे धीरे अपने अकाउंट में एक्युमुलेट करिए, कहीं पड़ा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई प्लॉट खरीद के छोड़ दिया है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है, वो ऐसा प्लीज उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। कई बार मेरे एक फ्रेंड थे, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने गुड़गांव में एक कमर्शियल शॉप खरीदी हुई थी A1 CR की, जब बेचने जाए तो कह कोई कहे 70,000, कोई 70 लाख, कोई कहे 75 लाख, वो कहे यार बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले की बात, May 2020 की। उससे मैंने कहा इसको बेच दो, कहते क्या मजाक कर रहे हो, मैंने 1 CR की खरीदी थी 5 साल पहले और 5 साल के बाद मैं इसको 75,000 लाख में बेच दूं, कैसे है। मैंने कहा बेच दो, मेरी बात मानो बेच दो। मैंने उनको 76 point something में वो बिक गई, उनके किसी डीलर ने बिकवा दिया, वो पैसा उन्होंने लिया, उस पैसे को उस दिन इक्विटी मार्केट में लगाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो टाइम था जब मार्केट एकदम नीचे थी, हाँ नीचे था, ये 2000, और उनका पैसा उस दिन से डबल हो चुका है, उनका पैसा डबल हो चुका है 1.5 करोड़। तो इस बात को समझना है बस कि इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी चीज है, आपको समझना। और लोग कहते हैं भाग गया, अभी कुछ नहीं भागा इक्विटी मार्केट, कुछ भी नहीं भागा, 17,000 इज नथिंग, 17,000 आप देखिए कोरोना के पहले क्या टायर था, वही 15-16,000 था, 17,000 है, 2 साल में वही के वही है। अभी 2 साल पहले March 2020 में, आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ, March 2020 में देखिए हम लोग कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ, इंडाइसिस को देखिए जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ये है निफ्टी, निफ्टी का मैं 5 ईयर चार्ट आपके सामने लगाता हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। दिस इज 5 ईयर चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 साल पहले निफ्टी जो था, सॉरी 2020 की बात करो, नॉट 5 साल पहले, निफ्टी जो था ये आपका 12,300 पे था जब इसने टूटना शुरू किया, और अभी जो है ये 17,000 पे है, ये अभी 17,000 पे। मैं
ये पूरे कोरोना के कोरोना को नलिफाई कर दीजिए, हटा दीजिए, यूक्रेन वगैरह सब हटा दीजिए, ठीक है। 12,000 से 17,000 इस ग्रोथ को समझने की कोशिश, 12,000 से 17,000 कितना ग्रोथ हुआ है अगर आप देखेंगे 5,000 का करीब करीब देखेंगे तो देखने में लगेगा वो आपको 80-85% है, वो 90% है। ये जो ग्रोथ दिख रही है ना आपको 2-2.5 साल में, ऐसी ही ग्रोथ आपको अगर 25 साल दिखने वाली है, 25 साल 25 ईयर, इसको आपको समझना है, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है ये ऐसे चलता है, इसको देखिए, इसको समझने को इसकी, अगर आपको ये ग्रोथ समझ में आती है, ये ग्रोथ देखना है, यहां पे निफ्टी देखिए, एक्सेलरेशन को देखिए, उसके यहां से यहां तक मार्केट, मार्केट फ्रॉम 1992 to 2003, इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ, इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 2003 to 2013 ले लीजिए, इस 10 साल में ग्रोथ हुआ, फिर 5 साल और ग्रोथ हुआ। अभी ये 2 साल का ये जो रनअप है ना, ये एक एबनॉर्मल रनअप है। क्यों? क्योंकि अब चाइना प्लस वन पॉलिसी आ रही है, पहले चाइना चाइना चाइना, अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स चाइना प्लस वन, एंड वो प्लस वन कौन है? दैट इज इंडिया। ये हमें समझना है, जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जितना वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं इस मार्केट से, फिर सट्टेबाजी करेंगे नहीं होगा, स्पेकुलेशन करेंगे नहीं होगा, इंट्राडे करेंगे नहीं होगा, कॉल पुट करेंगे नहीं होगा, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे नहीं होगा। प्लीज इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करिए, देखिए कि टाटा जी आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी ले चलें, मुकेश जी आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी ले चलें, अंबानी अडानी आगे बढ़ रहे हैं मुझे भी ले चलें। बस देखिए कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैं तो उसके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। अगर ये थॉट प्रोसेस है तो आप इसमें पैसा बना लेंगे। और अगर कुछ वैसा है कि हाँ जी कल लगा है, आज मैंने 6 महीने पहले नवनीत एजुकेशन खरीदा था 86 के, अगर कोई है पुराना पीएमएस मेंबर तो देखेगा 86-87 के प्रोजेक्ट था, है कोई पीएमएस में जुड़ा हुआ पुराना? यस सर मैं हूँ। आपने खरीदा था नवनीत को? हाँ जी सर लिया था 92। और आज देखिए वो चला गया, अब 86 से देखिए आज जो है 121-122 पे हमने बेच दिया, वो काम खत्म। लेकिन अब वो 86 से 80 भी गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ 80 भी गया था, कुछ लोगों ने 100 में भी बेच दिया, ठीक है 100 में बेच दिया बुरा नहीं, ठीक है आपका जितना आपको लगता है, लेकिन अच्छी चीज पता है एजुकेशन है, एजुकेशन बिजनेस चल रहा है, समझ में, अगर बिजनेस समझ में आता है ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा, अच्छे शेयर मिलेंगे, अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, लेके बैठना होगा। अगर आप उसको लेके परेशान हो गए कि सर ये तो आपने 86 में खरीदवाया था 80 हो गया अब क्या करें, तो वो मैंने पिछली क्लास में आपको लक्ष्य यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके बताया था, ऐसा होगा जब आप खरीदेंगे तो वो नीचे भी जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। सुबह भास्कर जी हाउ आर यू? सुबह भास्कर जी फाइन सर, फाइन सर, फाइन, यू हैव टू, यू हैव टू पे मी फीस ट्वाइस, you are learning two things, you are learning two things, you are learning Hindi, you are learning equity market. Yes sir, yes sir, yes sir, really really you have to thank double, you double fees seriously sir, yes sir, yes, yes. Actually okay. I have learned so many things from you, not only that, before I had that intention of only doing the trading, with that intention only I joined your class, but now not even single rupee, I am just doing it for trading, I am considering only for my investment purpose. Thank you ma'am, thank you very much, I promise ki after 15-20 years you will regret ki why we have not done it 20 years back, you will regret this. True sir, true, true. Even I started sharing certain information with the students also. Very good. And very good. Really, if you can equip the student of 17, 18, 19 years old and they start their investment once they get their first salary or second salary, you cannot imagine how much wealth they can create. True. Wealth is not the result of your earning. Wealth is the result of your understanding and saving. Correct. So that is more important. I think we did a V20 and slider in the last class. ये किया था हम लोगों ने,
बोलिए यस सर वही कह रहे हैं नाउ टुडे वी विल डू कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर ओके कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर यू कैन पुट दिस हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आता है मैं आपको दिखाऊंगा भी एग्जांपल देके कि कप विद हैंडल कैसे काम करता है पहले इसको समझने को पहले कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर होता क्या है इसको देखते हैं फिर हम इसको यूज कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे ठीक है नाउ सी दिस सो टिल नाउ वी लर्नड एक्चुअली स्लाइडर स्लाइडर एंड V20 वी डिड इन द लास्ट क्लास इफ आई एम करेक्ट यस सर 2020 किया था ना हां 2020 and slider we did in the last class okay. yes sir okay now see this when we study about the slider slider is like this when slider gets completed the target of slider is achieved it becomes like this this after this you may see this type of pattern now horizontal line means all three point should be parallel to x axis parallel to x axis all three points should be parallel to x axis first thing another thing this is called as cup with handle you may find another handle of this cup this side another handle of this cup this side do tarah ka cup hota hai ek wo cup jisme chai peete hain और एक वो कप होता है जिसको हम जब हम जीतते हैं किसी रेस में तो ऐसे मिलता है ना तो दैट इज आल्सो अ कप ठीक है तो समबडी सेज दैट कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ कप विद हैंडल एंड इन सम बुक्स यू विल फाइंड हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिस इज हेड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड हेड दिस इज लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज राइट शोल्डर आई एम रिपीटिंग दिस इज हेड एंड शोल्डर and this is cup with handle cup with handle now both have same concept both have same target head and shoulder the inverse head and shoulder have better probability to achieve the target as compared to cup with handle agar hum dono ko kahe ki dono mein se probability kiski zyada hogi to head and shoulder ki inverse head and shoulder ki zyada hogi as compared to कप विद हैंड लेकिन ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ये भी एक तरह से कप विद ये कप है एक ऐसा कप है जो हम जीतते हैं ना तो कप मिलता है फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज वाले को वो भी एक कप होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल होता है ऐसे पकड़ के जीतते हैं और एक होता है चाय पीने वाला कप तो ये दोनों एक तरह से आप इसको कप नाउ समझने वाली क्या क्या बातें हैं रिवर्स कौन सा है एक बार प्लीज रिपीट कर दो हां जी क्या कह रहे हैं दोबारा बोलिए दिलीप जी रिवर्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर कौन सा है इसमें से इनवर्स हेड एंड शोल्डर रिवर्स हाँ ये है सर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये है और कप विद हैंडल ये है इसको भी कुछ लोग कप विद हैंडल कहते हैं दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ कप विद हैंडल दिस इज सेकंड फॉर्मेट ऑफ कप विद हैंडल कप क्यों कहते हैं इसको भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर को भी कप क्यों कहते हैं ये वो वाला कप है जो हम विनिंग पे मिलता है और ये वो वाला कप है जो चाय पीने में मिलता है बस इसे ठीक है अदरवाइज आप याद रखिए दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर and this is cup with handle theek hai yahan tak koi doubt hai kisi ko pehle bataiye is formation mein koi doubt hai to bataiye anyone having any doubt boliye boliye jaldi se no sir nahi hai now is formation ko chart mein kaise dhoondte hain main aapko dikhata hu ki kal hi maine ek chart dhoond ke aap logon ko group pe bheja bhi tha agar pata nahi aap logon ko nahi bheja hoga abhi to aap log नए नए हैं तो हो सकता है कि आपको ना आया हो लेकिन जो पीएमएस मेंबर होगा उसको जरूर आया होगा आपको लेट मी शो यू देखिए जरा चार्ट कैसे बनता है और कितना अच्छा बनता है इसको समझने को देखिए जरा ये कप विद हैंडल का एक एग्जांपल बताता हूं कितना प्यारा कप विद हैंडल या इनवर्स जहां से आप देखना चाहें इसको मैं आपको दिखाता हूं इसको समझिए ये सबसे पहले मैं इसको इसको कवर कर देता हूं ऊपर से
ये देखो, ये था एक हेड, सॉरी शोल्डर, ये था इसका एक हेड और ये था इसका एक शोल्डर। ये था चार्ट में फॉर्मेशन। क्या समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है? नाउ जब इसने इस पॉइंट से ब्रेकआउट लिया, ध्यान देखिए, इस पॉइंट से ब्रेकआउट लिया, तो क्या होता है, इस कप की जो एवरेज डेप्थ होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कप की जो एवरेज डेप्थ होती है उतना हमें ऊपर टारगेट मिलता है। उतना टारगेट क्या था? ये इसका टारगेट था जो इसने बहुत तेजी से अचीव कर लिया। उसी दिन इसने अचीव कर लिया था, सेम डे अचीव कर लिया था जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था। ये जो ऊपर वाला है, ये तो एक अगले दिन न्यूज आ गई, वो न्यूज आई थी कि कंसाई नरेला इज गोइंग टू सेल सम ऑफ हिज लैंड, आइडल लैंड जो थी वो बेचना, इसलिए वो भाग गया था। अदरवाइज ये जो इसका मूव था, दैट वाज द टारगेट, उसी दिन टारगेट को अचीव कर लिया इसने। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताइए, पहले क्वेश्चन बताइए आप लोग का। सर एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, मैं रिपीट करता हूं आपको एक और चार्ट में, दिखाता हूं मैं कितना अच्छा कप विद हैंडल वहां बन के, सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन के तैयार है जहां तक मुझे याद है। दिखाता हूं मैं आपको, उसका नाम है वोल्टास। सर वन डाउट। हाँ बोलिए सर। इधर इनवर्स हेड एंड शोल्डर में जब ये ब्रेकआउट किया सर, तो ये थोड़ा एबनॉर्मल मूव नहीं बिहेव कर रहा थोड़ा सा? सर ये एबनॉर्मल मूव नहीं है थोड़ा सा? मतलब एकदम से नॉर्मल एबनॉर्मल कोई भी, हमें तो फॉर्मेशन देखना है बेटा, हमें जो है फॉर्मेशन देखना है कि फॉर्मेशन कैसी हो रही है। ठीक है, फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, आई थिंक हैवेल्स में देखा था मैंने आज ही, हमने मैं आपको प्रेजेंट का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पास का भी मैं दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको प्रेजेंट कर, हाँ ये देखिए कितना प्यारा, देखिए जब आप इसको चार्ट में अगर आपको ये दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि आप ये आपको चार्ट्स में ढूंढना है। देखिए अभी मैंने बोल दिया है इसलिए आपको बहुत तेजी से नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जब आप जिस दिन आप चार्ट में ढूंढने लगे, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका, ये इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है, ये आपका एक शोल्डर है, ये आपका हेड है और ये आपका दिस इज अनदर शोल्डर, शोल्डर हेड अनदर शोल्डर, नाउ ब्रेकआउट। यहां पे इसको खरीदना है, दिस इज परफेक्ट बाइंग रेंज में स्टॉक है आज के टाइम पे। और इफ यू आर इन एनी ऑफ द शेयर मार्केट ग्रुप, मैंने कल आप लोगों को एक मैसेज भेजा था, श्योर शॉर्ट 5% पर मंथ, वो यही चार्ट है। मैंने वहां पे शेयर का नाम नहीं लिख के भेजा था लेकिन ये वही चार्ट है, और इसको लिख लीजिए, यानी कि कल खरीदने लगेगा। आप देखिए कि क्या ये अगले, ये जो डेप्थ है ये इसका टारगेट है, ये आपको मिलना है। वॉट एवर इज द डेप्थ, जो भी इसकी ये डेप्थ है, दिस इज द टारगेट। इस टारगेट के लिए ये मैंने भी कल खरीदा है थोड़ा सा, आप ये देखिएगा, आज भी ये मूव नहीं हुआ है अभी, आज मार्केट आपको पता है वो ताइवान वाइवान की न्यूज थी, इस चैप्टर में वो वहीं का वहीं था, अभी मूव नहीं हुआ, लेकिन दिस इज श्योर शॉर्ट टारगेट, श्योर शॉर्ट टारगेट, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल। हां जी मोहन बक्सानी जी, अब क्लियर हुआ ये उसमें अगर ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो इट विल बिकम कप विद हैंडल, इट विल बिकम कप, अगर ये दोनों तरफ होगा इट विल बिकम इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जी सर क्लियर है? एनी डाउट? सर इसमें एक डाउट था, लाइक इसमें आरएसआई 75 टच हो रहा है, तो आरएसआई यूजुअली 75-80 से ऊपर जाता नहीं है, तो आरएसआई नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, जब ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई हो सकता है कि शेयर प्राइस यही रहे और आरएसआई नीचे आ जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये शेयर प्राइस यही रहेगा थोड़ी देर और आरएसआई नीचे आ जाए,
जब आरएसआई नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे ये करके ये ऐसे चल देगा ऐसे, ठीक है। तो इसलिए आरएसआई का मतलब प्राइस से बहुत करेक्ट वो नहीं कह सकते कि नहीं जी प्राइस ऊपर जाएगा तभी आरएसआई नीचे ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा तो भी आरएसआई नीचे आएगा, ऐसा श्योर शॉट नहीं होता, ठीक है। वो उनके बाइंग है, बायर्स एंड सेलर्स कितने उसके ऊपर है, उसके ऊपर बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको और चार्ट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप लोग तो आपको और दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा पास्ट के चार्ट में, ये तो हो गया प्रेजेंट का चार्ट कि मैंने कहा ये अपना टारगेट को अचीव करेगा, क्या पास्ट में ऐसा हुआ उसने अचीव किया कि नहीं किया, इसको हम देखते हैं कुछ चार्ट्स में, उससे आप लोगों को ज्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ जी सर यहाँ पे आपको कप विद हैंडल रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट में आप ढूंढेंगे उसको यूज कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ वो मैं देखूंगा। देखिए जरा कोशिश करते हैं कुछ चार्ट्स को देखने की। पहले यहाँ पे एक साल का चार्ट लगा रहा हूं मैं, आपको कहीं कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो आप मुझे पहले बताओ, पास्ट में नॉट प्रेजेंट, आज के टाइम पे नहीं देखेंगे, यहाँ पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे। दिस इज योर टेस्ट। जुलाई में नहीं दिख रहा। हाँ जी जुलाई में ही दिख रहा है, जुलाई में दिख रहा है। हाँ मतलब ना 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 इसमें देखिए, मार्च पे मार्च में सर दिसंबर में, इसमें दिसंबर 2021 दिसंबर हैंडल नहीं दिख रहा मुझे, कब तो दिख रहा है आपको हैंडल कहाँ दिख रहा है, और देखते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए कोई बात नहीं आराम से देखिए, जितना देखिए दिस इज द प्रैक्टिस, यही डिफरेंस है आपकी पर्सनलाइज क्लास जो हो रही है और जो नॉर्मल मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ, यही देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं मुझे, यू हैव टू सी आराम से। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने चार्ट्स को विजुलाइज करके पकड़ पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए सर इसमें जुलाई में, हाँ जी बोलो त्रिशा बोलो सर, जुलाई में, जुलाई 2022 एक्सीलेंट, ये बच्ची ना कुछ करके मानेगी लगता है जीवन में। देखो देखिए इस बच्ची ने ढूंढा है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे देखिए, जहां से थोड़ा सा ये एक और ये थोड़ा सा मेरी लाइन ऊपर लाइन नीचे हो गई है, देख पा रहे हैं आप लोग इस कप विद हैंडल को, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ तो आप इसको ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। रुकिए मैं इसको और अच्छे तरीके से ड्रॉ करूंगा सो दैट कि आपको पहले मैं इसको इरेज करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि तो जितना त्रिशा ने इतने प्यार से इसको ढूंढा है, त्रिशा अब इंटेलिजेंट होती जा रही है, मुझे सब समझ में आ गया, त्रिशा लग रहा है इसकी ट्यूशन भी दे रही है अलग से। नहीं सर आपकी क्लास के अलावा तो कोई भी नहीं है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको, मैं इसको रखता हूँ सी दिस, ये मैंने एक लाइन रखी है, इस लाइन को देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बियॉन्ड दिस मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये देखिए यहां से मैं चला, ये मेरा कप बना,
ये मेरा एक हैंडल बना और यहां से ब्रेकआउट हुआ। नाउ इसकी एवरेज डेप्थ थी ये, इस एवरेज डेप्थ को इसने यहां पे कवर कर लिया एक ही कैंडल के अंदर। देखिए how to calculate that average depth is that I will tell, first of all try to understand ki aisa ho raha hai, I will tell you how to calculate everything, I will tell. okay theek hai, dikh raha hai aisa Dilip ji, dekh pa rahe? yes sir it's basically cup with handle hai, cup with handle hai na sir? ha cup with handle hai, this is cup with handle, this is pure cup with handle. सर ये दोनों में सेम स्ट्रेटजी है, हेड एंड शोल्डर में भी और कफ, सेम स्ट्रेटजी है, सेम स्ट्रेटजी, ठीक है, ओके, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, हाँ जी बताइए कहीं दिखे तो, किसी को कहीं दिखे तो बताइए, एनीवन? अरे लग रहा है मार्च में, दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ रिसेंट में ही आया, हाँ जी रिसेंट में ही आया सर, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बन के तैयार है इसमें मैं, और बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बन के तैयार है इसमें, दिस इज अ कप एंड दिस इज अ हैंडल, ये यहाँ पे कंसीडरेशन हो रहा है, इसकी एवरेज डेप्थ देंगे, दिस इज द डेप्थ, ये इसका टारगेट, बहुत ही प्यार, मींस अगर आप में से कोई, दिस इज नॉट अ टिप टू बाय अ शेयर, आप में से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आज के टाइम पे बायर्स क्रॉप साइंसेस, बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट, बहुत ही प्यारा एज पर टेक्निकल, बहुत ही प्यारा, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कल आपको खरीदना है, इसलिए कह रहा हूं कि डायरी में आज के डेट पे ये रेट लिखिए, डेट लिखिए और देखिए कितने टाइम में अचीव होता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा, हाँ जी हमने ये देखा था, इतना बड़ा कब रेंडर बना था, वो 15 दिन में हुआ, वो 1 महीने में हुआ, वो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी बाइंग अ पर्टिकुलर शेयर, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। Sir, I have a doubt, sir. Yes, please. This DMA actually, you said that 20, 50, 200. Yes. So once even if it is crossing this, this particular rule will be working out. These are different. DMA is different strategy. RSI is a different strategy. Cup with handle is different strategy. And slider is different strategy. You have to use few strategies. You cannot use a buying where all the strategies will sit. Okay. You have to trade on different strategies. Okay. Yes. तो इस चार्ट में कंफ्यूजन है। हाँ। मैं जो कप बना है, कप में बीच में ये मतलब उठा भी हुआ है तो मतलब। हाँ ये रहता है मैम, ये रहता है, ये कई बार ऐसा होगा, वो मार्केट के किसी फ्लो की वजह से होगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि कप विद मल्टी, अगर ये यहां से जाके यहाँ ऊपर चला जाता है और फिर आगे बढ़ता है तो कप विद मल्टीपल हैंडल भी बनता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कप विद मल्टीपल हैंडल भी बनता है, ठीक है, तो कप विद मल्टीपल हैंडल जो होता है वो भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे मैं जा रहा हूँ, उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि और आप लोगों का काम है ढूंढना, नेक्स्ट देखिए, मैं रुक गया हूँ, आपको दिखना चाहिए सर, मार्च में है, मार्च में कहाँ पहुंच गए आप लोग, सर मुझे जुलाई में ही दिखा, जुलाई में कितना प्यारा, ये एक शोल्डर था, ये एक हेड था, ये एक शोल्डर था, दिख रहा है, और ये इसके टारगेट था जो अचीव हो चुका है, टारगेट अचीव भी हो गया, दिखेगा कोई बात नहीं, देखेंगे सब कुछ दिखेगा,
थोड़ा करेंगे धीरे 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 सब दिखेगा। देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं हेवल्स प्रेजेंट में, बोलिए कहीं दिखेगा तो बताइएगा प्लीज। सर यहाँ दिख रहा था थोड़ा सा, इसमें तो यस सर आई कैन सी। दिख रहा है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में? यस सर मुझे दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखिए जरा जुलाई के बीच ये एक शोल्डर था, ये एक हेड था, ये एक और शोल्डर था। देखिए जरा ध्यान से, और ये इसका टारगेट था, यहां पे इसने टारगेट को अचीव कर लिया था, अपने टारगेट को इसने अचीव किया। बोलिए मोहित जी, दिलीप जी, कृषा, शुभ भास्कर जी, एनीवन। देखिए कंसेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, कंसेप्ट छोटा सा है, उसको चार्ट में रिकॉग्नाइज करना दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उसको आपको देखना है कि आप कितना कर पाते हो। HUL में टारगेट अचीव हुआ ना उस टाइम पे RSI 75 था, तो उसका RSI 75 था उस टाइम जब उसने अचीव किया। मैंने अभी आपको बताया कि RSI जो है दैट इज, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, मैं दोबारा HUL में जाता हूँ। देखिए जरा यहीं पे जब ये टारगेट अचीव हुआ तभी इसका RSI टॉप पे था, लेकिन अब देखिए स्टॉक तो यहां से ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, दिख रहा है आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तो इधर यस सर RSI उतना ही है, RSI जो है वहीं रह के नीचे आ गया, स्टॉक का प्राइस तो उस प्राइस से ऊपर गया है, लेकिन अगर आप RSI को देखेंगे ध्यान से तो वो नीचे आ गया। ठीक है तो सर इसमें पता कैसे लगेगा कि बेचना नहीं है, लाइक 75 का RSI आ गया तो लग रहा है कि टारगेट अचीव हो गया तो बेच के निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं मेरी बात समझिए, आपने इसको खरीदा किस पे था, RSI पे या आपने कब भी टेंडर पे? सर मैंने तो जैसे PMS पे मेरे पास आया तो मैंने नहीं, नहीं मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, बेचने का टारगेट तब पता चलेगा जिसके बेसिस पे आपने खरीदा था, जिस कंसेप्ट पे आपने खरीदा था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खरीदे RSI पे बेचे कब भी टेंडर पे, या खरीदे अगर कब भी टेंडर पे बेचे RSI पे, तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगा। आपकी ट्रेडिंग अगर आप ट्रेड करते हैं कि स्टॉक में तो एकदम क्लियर, आपने कब भी टेंडर पे खरीदा, कब भी टेंडर का टारगेट अचीव हुआ, आपको इसको बेचना। बट सर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अगर पता हो कि लाइक 75 के RSI पे चांसेस हैं अभी भी ऊपर जाने के तो मैं ना बेचूं, बट मुझे लग रहा है ये कोई नहीं बता सकता कोई स्टॉक कहां तक ऊपर जाएगा, कोई नहीं बता सकता। उसी तरह जब गिर रहा है तो कहां तक नीचे, अगर ये बात पता होती, सोचिए अगर ये बात पता होती तो 2020 में झुनझुनवाला जी अपना सारा स्टॉक बेच के बैठ जाते कि ये कहां तक नीचे जाएगा, फिर उसके बाद खरीद लेते जब नीचे जाता था। तो मतलब सर यही अच्छी स्ट्रेटजी है ना कि लाइक कप विद हैंडल का टारगेट भी अचीव हो गया और RSI भी 75 है तो बेच ही दो। नहीं, बट अदरवाइज मैंने क्या कहा आपको, फिर आप कप विद हैंडल पे खरीद रहे हैं तो फिर RSI तो देखना ही नहीं है ना आपको। ठीक है सर, अगर आप यहाँ पे कप विद हैंडल को खरीद रहे हैं और DMA देखने लगेंगे तो आप देखेंगे यार ये तो DMA के ऊपर चला गया, सर ने कहा था DMA के नीचे लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, यू कैन नॉट मिक्स टू स्ट्रेटजीज टुगेदर, ये नहीं कर सकते आप। मैं आपको 5-6 स्ट्रेटजीज टोटल बता रहा हूँ आपको, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, DMA बताया, RSI बताया, मैंने आपको T20 बताया, मैंने आपको क्या बोलते हैं स्लाइडर बताया, कप विद हैंडल बताया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बताया। ठीक है, हो सकेगा तो मैं आपको पिवट भी बताऊंगा, ठीक है, अगर टाइम बचता है तो। इनमें से जो आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए इस बात को, जो आपको अच्छा लगे
जो आपको इजी लगे, कोई भी एक दो स्ट्रेटजी ले लीजिए आप। स्ट्रेटजी और भी है, ये तो मैंने आपको 6 साल बताई है, जो मैं टेक्निकल की क्लासेस होती है वहां मैं 20 बताता हूँ, 20 स्ट्रेटजी। लेकिन आप यूज जो है, कोई भी इंसान जो अच्छा इन्वेस्टर है वो कोई एक या दो स्ट्रेटजी को यूज करता है, और जो स्ट्रेटजी आप यूज करना चाहे, मैं बता रहा हूं एवरी स्ट्रेटजी विल गिव यू द रिटर्न, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू हैव टू यूज दैट स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार आप कबीर हैंडल पे खरीद रहे हैं, दूसरी बार आप RSI पे खरीद रहे हैं, तीसरी बार इस पे खरीद रहे हैं, सारे स्टॉक मिक्स कर दें, आपको पता ही नहीं कब खरीदा था, किस पे खरीदा था, क्या टारगेट था, तो फिर आपकी ट्रेडिंग बेकार हो। सर एज ए रिटेल इन्वेस्टर कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अप्रोप्रिएट होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे पूछेगी कि सर आप क्या यूज करते हैं अपने लिए, तो मैं बता सकता हूँ। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ, मैं किस स्ट्रेटजी को सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन भर स्क्रीन पे बैठने का टाइम नहीं, मैं एक दिन में राजा नहीं बनना चाहता, मैं वो इंसान हूँ, इसलिए मैं तो सिंपल DMA स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। DMA 250-20 प्राइस खरीदो, 250-20 प्राइस बेचो, काम खत्म। जो मेरा 90% इन्वेस्टमेंट है, 80% मैं DMA पे करता हूँ। You mean to say कि अगर descending order में हो, 250 बताया हुआ है, आपने क्लास अटेंड की होगी सर? हाँ मैंने की है, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। तो बाय करना अगर असेंडिंग हो जाएगा, इसमें है ये सेल है, दिस इज प्योर सेल, देखिए कैसे 250-20 उसके ऊपर प्राइस है, प्राइस है, ये प्योर सेल है, यहाँ पे हमें बेचना है, ये 200 है, ब्लैक लाइन इज 200, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर प्राइस। यही जब उल्टा था, कहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे देखिए 200-50-20 और प्राइस, यहाँ पे इसको खरीदना। दिस इज माई स्ट्रेटजी विच आई एम यूजिंग फॉर माई ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, RSI गिव यू 20-25% रिटर्न एनुअली, DMA give you 20-25% annually, Kapuvir Handel will give you 20-25% annually, ठीक है, आपको जो मन करे, जो अच्छा लगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अच्छा लगे उसको यूज करिए, स्लाइडर को यूज करिए, T20 को यूज करिए, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन प्लीज जो यूज कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली, RSI यूज करिए, जब 30 पे आए 25 पे आए खरीदिए, जब 75 पे आए बेचिए, बस यही करते रहिए आप। Use this strategy for next 20 years. You will enjoy. दिक्कत कहाँ होती है? जब आप बहुत सारे strategies को mix कर देते हैं. Mix नहीं करना. Mix बिल्कुल नहीं करना. ठीक है? Now, I am going to next talk. So, ये कब with handle देख तो रहे हैं, but इसकी strategy को कैसे analyze करते हैं? Okay. कैसे एनालाइज करते हैं? हाँ, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि जो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो यहाँ पे आपने बच्चा स्ट्रेटजी, तो आपने देखो आपको एक कप विद हैंडल दिख रहा है, कप विद हैंडल दिख रहा है, बोलो सर चार्ट का दिखे नहीं दिख रहा है सर, ये चार्ट का दिखे, क्या कह रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे शायद जुलाई में, हाँ यहाँ पे कप विद हैंडल, यहाँ पे आपको कप विद हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको? जी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले सुबह मैम ने पूछा था कि इसका हम कैसे निकालते हैं टारगेट, एवरेज। नाउ सी दिस इज माय कप विद हैंडल and this is the depth, average depth, देखिए यहाँ पे इसकी depth यहाँ तक है, इसकी depth यहाँ तक है, यहाँ पे ये depth है और यहाँ पे ये depth है, this is the cup, इस cup की depth देखो, एक बार इसकी depth यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो average depth कुछ यहाँ आएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत 1% ऊपर नीचे होता है, उसको दिमाग लगाना, 1% कम कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस विल बी द एवरेज डेप्थ, ये इसकी एवरेज डेप्थ है, ये इसकी एवरेज डेप्थ है 7.45%। मैंने ये टूल यूज किया है, यहाँ पे एक टूल है, देखिए ये मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से आपके यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको कहते हैं प्राइस रेंज का टूल है, इस टूल को मैंने यूज किया है, प्राइस रेंज, ठीक है, इस टूल को यूज किया है,
और मैंने इसको यहाँ से मार्क किया कि ये कितने परसेंट है। ठीक है सुबह राव जी, आप समझ गए? सुबह राव जी यस सर, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट इन माय सिस्टम। नाउ 7.45%, नाउ फ्रॉम हियर आई विल मार्क 7.45% अप्रोक्स। नाउ सी दिस, दिस वाज 7.45%। सी दिस, दिस आप ध्यान से देखिएगा हुआ क्या। चार पांच दिन तक उसी पे उसी प्राइस पे जाके कैंडल, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ध्यान से देखेगा बार बार उसी प्राइस पे जाके अटक रही थी, बिकॉज दैट वॉज द टारगेट, दिस वॉज द टारगेट। उसी पे देखिए यहाँ पे बार 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 ये टारगेट, वो ऊपर गया क्या हुआ, दैट इज नॉट मैच 7 point। देखिए इसी पे जाके ये अटक रही थी, दिस डे 7 जून को, 12 जून को, देन आपका 13 जून को, 14 जून को, एवरी डे वहीं पे जाके रुक रहा था, बिकॉज दैट टारगेट हैज बीन अचीव। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द टारगेट, ये आपको पता होना चाहिए। सुबह राव जी, यू गॉट दिस सर? इसे कैसे समझते हैं कि व्हेन यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू सेल, व्हेन यू हैव टू बाय इट? व्हेन, देखिए ये आपने ये लाइन देखा बच्चा, ये कब बनना था, यहाँ पे ये कब बना, ये पूरा कब बन गया, ये कब के बाद इसका ये हैंडल बना, ये जो प्राइस है 2341, जब इस हैंडल ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ 2341, फिर इसके ऊपर निकला, ऊपर निकलते ही आपको बाय करना, इस पॉइंट के ऊपर निकलते ही आपको बाय करना है। दिस इज द ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट, हमारा उस कप के बाहर निकल गया, जैसे चाय है, चाय बाहर छिड़क गई तो उसको आपको पकड़ लेना है, चाय को गिरने नहीं देना, ठीक है। नीचे आ गया तो नहीं खरीदना, ऊपर गया ठीक है, हो सकता नीचे आने के बाद हो सकता है मल्टीपल हैंडल भी बन जाए, ठीक है, आपको उस समय नहीं खरीदना है। और यहाँ से फिर वो आपका टारगेट आएगा, उस टारगेट पे बेच देना। क्या टारगेट पे आने के बाद नहीं बेचेंगे या बेच देंगे तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जा सकता है, आपको अपने टारगेट पे बेच दो। बिकॉज अगर आप 100 बार ऐसा करेंगे तो 80 टाइम्स टारगेट को अचीव करके वो नीचे आए, 80 टाइम्स ऐसा हो, 20 टाइम्स हो सकता है ऊपर जाए, न्यूज मार्केट सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन फ्रॉम द टारगेट इज मोर एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप फ्रॉम द टारगेट, ठीक है। Now I will show you some more charts so that कि आप लोग इसको देख के समझ सके। देखिए जरा कहीं पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, और with target। Now see this, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बना था आयसर मोटर में पास्ट में, पहले मैं आपको इसको दिखाता हूं अगर आप इसको समझ पाए तो। Now see this, इस ये मेरा एक कप विद हैंडल था, ध्यान से देखना, ये मेरा एक कप विद हैंडल था, कैसे था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सी दिस, दिस वॉज द कप, एंड दिस वॉज द हैंडल, यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहां पे ब्रेकआउट हुआ। अब इस ब्रेकआउट के बाद आपने खरीदा, खरीदा तो ऐसे 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 करता गया, आपको लगा पता नहीं ये तो नहीं। नाउ सी द टारगेट, यहां से मुझे टारगेट क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूं कि इसने अपने टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया। देखो जरा ध्यान से, अगर आप टारगेट को समझ पाए तो देखिए जरा, सी द टारगेट, दिस इज द कप, दिस इज द कप, एवरेज डेप्थ एक बार इसके डेप्थ यहां तक है 2440 तक, एक बार इसके डेप्थ यहां तक है, दिख रहा है आपको 22, ये डेप्थ है, एक बार इसके डेप्थ ये है 23 2300 है, 24 भी है, 22 भी है, तो यहां कहीं पे इसकी एवरेज डेप्थ होगी। जनरली आप कई बार देखेंगे बुक्स में वो दिखा होता है मैक्सिमम डेप्थ, नहीं, टेक एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ इज अप्रोक्स 13.65%, प्रिसाइज 13.65%। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं 13.65%। नाउ जब इसने यहां से ब्रेकआउट देके निकला,
तो 13.65%, क्या ये कितना परसेंट है? देखिए जरा ऊपर बोलिए कहां तक गया, ये दिख रहा है आपको? लेट मी रिमूव दिस एंड पुट इट अगेन, ये वो कॉर्नर में जाके थोड़ा सा यहां से डालता हूं, आपको दिखेगा। ये देखिए यहां पे जाके कुछ रुक गया था, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका चार्ट वो ये रुका था, दिस वो, ये देखिए ध्यान से इस कैंडल्स को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ कैंडल रुकी, ये रुकी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये रुकी आपको ध्यान से, उसके बाद कोई न्यूज आया ऊपर नीचे होता रहा नहीं, आपका टारगेट ये 14% पे इस कैंडल पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 जुलाई को आपका टारगेट इसका अचीव हो गया, वहीं पे ये हलकारे मारने लगा। उसके बाद हो सकता है किसी दिन मार्केट में न्यूज आ गई, ओमिक्रॉन खत्म हो गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर वो कुछ भी हुआ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली जब टारगेट आता है ना वो वहां पे, सुबह राव जी, सुबह भास्कर जी, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes sir. So this is the way, यहाँ पे अब आपने खरीद लिया, when you bought this share on this day, what happened? ऊपर भी गया, नीचे भी गया, अब नीचे गया तो आपको घबराना नहीं है, because you have bought this target on the basis of technical, you have to wait, you have to have trust in your technical understanding, अगर वो trust नहीं होगा तो फिर तो आप क्या होगा, थोड़ा सा नीचे गया, because you have bought it somewhere on at the age of at the rate of 2700, it came to 2600, आपको लगेगा ये तो 100 रुपीस पर शेयर लॉस होने का, बेचो 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 बेच के आप आते, नो, दिस इज वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव परचेज ओनली फंडामेंटली गुड शेयर, वेयर व्हाट एवर द टेक्निकल यू आर यूजिंग, यू हैव टू यूज इट ओनली इन फंडामेंटली गुड शेयर, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस, कि व्हाट इज आरओसी, व्हाट इज आरओई, व्हाट इज प्रमोटर्स होल्डिंग, व्हाट इज रेवेन्यू ग्रोथ, व्हाट इज सेल्स ग्रोथ, वो हम देख चुके हैं। नाउ आईएसएल मोटर क्वालिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ एक्सीलेंट फंडामेंटल शेयर, नाउ आई विल सी माय टेक्निकल ओनली इन दीज शेयर्स व्हिच आर फंडामेंटली स्ट्रांग, नाउ द फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स इफ आई एम फाइंडिंग एनी 2020 pattern, slider pattern, RSI pattern, DMA pattern, I will buy. And I will sell once my target is achieved. Any question, please? Sir, actually, when we keep this chart, 1 year will be the correct way of doing it, or... I could not get your question. Can you repeat the question first? Sir, actually, we have 1 day, 5 days, 1 month, 3 months, at last, we have that. Please, at the initial stage, try, you can do the same thing at 1 day chart, you can do the same thing at 1 hour chart, depending upon your time horizon of trading, time horizon. Okay. But at initial stage, try to use 1 year chart, because if your time horizon of trading will be longer, there will be less risk involved. Concept is same. For every chart, there are intraday traders who are using the same concept on hourly chart also. Okay. So that is not a problem. This rule applies to each and every chart. Chart is not a problem. But only if you become expert in trading in this, then only you should move to hourly chart or 15 minute chart or 5 minute chart. Please try to use the day chart for the 1 year. Just see this. This is 1 year. Here it is 1 year, and here it is day. If you change it to 2 hour, 1 hour, 3 hour, 1 minute, 3 minute, it will, the chart will change. Suppose I change it to 15 minutes, chart will change. Chart will be like this. Here also you will find somewhere cup with handle or something. You can trade on the basis of that. But please do not do it at initial stage. This you can do after having your investment journey for 4, 5, 6 years. After that, I'm not using that. I'm investor. I'm not a trader. I will not do this. But if you want to do, you can do. Okay. Any other question, please? Yes, sir. Sir, it's me.
सर बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर यहाँ पर जो जून जुलाई में जो चार्ट पेन था वो भी कप विद हैंडल शो कर रहा था, सर उसको कंसीडर कर सकते हैं? कहाँ पे, कहाँ दिख रहा है आपको? सर यहाँ पर आफ्टर ब्रेकअप जून जुलाई में। जून जुलाई में अभी? हाँ ये वाला सर, नीचे नीचे नहीं सर, नीचे। यस सर दिस वन, यहाँ पे ये दिस। यस सर दिस वन। नहीं नहीं, हैंडल कैन नॉट बी डीपर देन कप। आई एम रिपीटिंग, हैंडल कैन नॉट बी डीपर देन कप। जब भी बनेगा कप विद हैंडल यू हैव टू सी इट विल बी लाइक दिस, कप विद हैंडल। ऐसा नहीं हो सकता कप विद हैंडल, ऐसा नहीं हो सकता। हैंडल कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी हैंडल, दिस कैन नॉट बी कप, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस कैन बी कप एंड दिस कैन बी हैंडल, हैंडल कैन नॉट बी डीपर देन कप। ओके, if handle is becoming deeper than cup, that means it is going to be inverse head and shoulder. The handle which you are considering handle, it is actually the cup. Another handle will be framed in future and then you have to trade in that. So okay, any other question please? Any other question? Main maan ke chalu jo maine padhaya itna acha padhaya ki sabko aa gaya। बोलिए बोलिए सर, एक क्वेश्चन है इसमें बट नॉट रिलेटेड टू दिस दिस कॉन्सेप्ट और दिस टेक्निकल। ये स्लाइडर इसमें जो इधर राइट साइड में दिख रहा है, क्या ये स्लाइडर हम बोल सकते हैं इधर से जो दिख रहा है सर? आप ये वाला या ये वाला? नहीं सर, ये जो ये नहीं, मैं यहां से बोल रही हूं, मार्च से लेके जुलाई में जो अपवर्ड जा रहा है उसको क्या स्लाइडर हम कर सकते हैं? नहीं नहीं, स्लाइडर इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ओके, स्लाइडर इज ऑलवेज स्लाइडर। मैम सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया था आपको वो स्लाइडर दिखना चाहिए जो पार्क में आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, बैठा दिया तो बच्चा नीचे आना चाहिए उसमें। ओके, दैट इज अ स्लाइडर। तो उसे किसके किस पॉइंट में फिर खरीदना है सर उसको? जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, स्लाइडर नीचे आते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, वैसे हमने पिछली क्लास में बहुत डिस्कशन किया था, तो हमें उसे खरीदना है। ठीक है, अभी अगर आता है कहीं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सी कितना प्यारा स्लाइडर बना था यहाँ पे, नसले में कितना प्यारा स्लाइडर बना था, आप देखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, दिस वाज द स्लाइडर, ये स्लाइडर है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर, ये सर। यहाँ पे जाके पैरेलल हो गया। यहाँ पे आपको कहीं भी आप हो सकता है आपको नहीं पता चले, क्योंकि आज आपको देख के लग रहा है आप सोचोगे मैं तो यहाँ खरीदती, लेकिन उस समय आपको नहीं पता था, आप यहाँ कहीं खरीद लेते। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट वही होता है जो वहां से गिरना शुरू होता है। ओके, राइट। मुझसे पूछोगे तो नेस्ले का टारगेट लगभग लगभग आ चुका है। अगर किसी ने स्लाइडर के बेसिस पे खरीदा है तो अब देखिए इस स्लाइडर से ये ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, फिर ऐसे करता रहा। अब किसी ने कहेगा सर ये ऊपर गया था, ये नीचे आ गया, आपको यहाँ पे थोड़ा पता था कि ये नीचे आएगा ऊपर आएगा। आपने इसको खरीदा, दिस इज योर टारगेट, इस टारगेट पे ये आपका टारगेट है कुछ 19,500 का, यहाँ पर आया, ये आएगा, आएगा पक्का। अगर आपने टेक्निकल में स्ट्रांग है, आपने स्लाइडर सही पकड़ा है तो 19,500 इसको आना है। वो टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो ही टारगेट है आपका, उस टारगेट पे उसको बेच देना। ठीक है, अगर आपने उस कंसेप्ट पे खरीदा। हाँ, अभी आपको अगर सर नसले तो कभी नहीं बेचना चाहिए। हाँ, नहीं बेचना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि आपने स्लाइडर पे नहीं खरीदा, आपने उसको किस बेसिस पे खरीदा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक और चार्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब कप विद हैंडल आई कैन सी। कहाँ पे सर? मई जुलाई में। मई जुलाई यहाँ पे? यस सर यहाँ पे। हाँ तो वो उसका भी टारगेट आ गया बेटा, देखो जरा ध्यान से, देखो आपको दिखा देता हूं। सी दिस, ये देखो, ये आपका कप था, ये आपका हैंडल था, ठीक है, और ये इसका टारगेट था। लगभग लगभग ये अचीव हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपका टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, yes sir, I have a question sir।
Yes, please. Actually, it is not relevant with this Kapit handle, but a company which you told us actually, Tanla platform, right, sir? Yes. That is meant for investment purpose or for a longer period or for shorter period? I will never buy Tanla platform. Okay. I have never told you to buy Tanla platform, and I have never told anyone to buy Tanla. No, no, you just thought as abnormal move stock actually. Tanla platform. Yes. Now see this. See the Tanla platform. I will show you why I will not buy Tanla platform. Why I will not buy Tanla platform? See. Now, try to understand this. What promoter's holding I told you that I will buy? Tell me the promoter's holding. 50%. More than 50%. इसमें कितना है? 43.7. एक क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है? अनदर थिंग, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी और दिखाता हूँ आपको. दूसरा देखिए, मेरे सिंपल देखिए, मैं ना अपने रूल्स को नहीं तोड़ता. मेरा सिंपल, मेरे कुछ रूल्स हैं, उसको मैं कभी नहीं तोड़ूंगा. नाउ सी द, मैंने आप लोगों को एबनॉर्मल मूव्स पढ़ाया हुआ है. यू हैव अटेंडेड एबनॉर्मल. जब भी कोई चार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी चार्ट व्हिच इज बिकमिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, प्लीज इमीडिएटली एग्जिट दैट चार्ट. इमीडिएटली एग्जिट दैट चार्ट और फ्यूचर में जाके देखिए, यू विल फाइंड मोर देन 100 एग्जांपल्स एंड गुड एग्जांपल्स. सी दिस, दिस चार्ट फ्रॉम बहुत भयानक चार्ट होता है. इस चार्ट के बाद ऐसा ही होगा जो इसमें हुआ है. देखना है तो IEX में देख लो, देखना है तो आपका हैप्पीएस्ट माइंड में देख लो, देखना है तो IRCTC में देख लो, आपको हर जगह दिख जाएगा. आपको हर जगह दिखेगा, व्हेनेवर देयर इज एबनॉर्मल मूव, दैट मूव इज अप्रोक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. अप्रोक्स, ठीक है, पूरा तो नहीं होता, अप्रोक्स वो दिखने लगता है. नाउ अनदर थिंग, व्हाई आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक. अनदर थिंग, नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द movement in this stock. See the profit. मैंने आप लोगों को, ये आपका profit and loss है ना, हाँ यही है. Now मैंने आप लोगों को profit के बारे में बताया हुआ है कि profit जब हम देखते हैं तो हमें देखना है कि पिछले 10 सालों में profit में कैसे movement हो रही है. अब मैं इसके profit को देखता हूँ तो मुझे कहानी समझ में नहीं आती. 10 साल पहले -114 का था, फिर ये प्रॉफिट में आ गया. यहां से मुझे ठीक समझ में आ रहा था 3741, फिर ये 19 हो गया, फिर ये 30 बढ़ गया, फिर ये घट के -211 हो गया. ये ना मुझे इस प्रॉफिट में ऐसा लग रहा है, प्रॉफिट अगर मैं आपको ऑन कंट्रेरी, आप नेस्ले देख लो, बजाज फाइनेंस देख लो, बजाज फिनसर्व देख, अगर वो बढ़ रहा है तो धीरे 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 हर साल 10% ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे -211 से प्लस का 356 हो गया, मतलब ये कोई मूव है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो इसमें लग रहा है कि केवल और केवल लोगों को फंसाने के लिए नंबर्स को दिखाए जा रहे हैं. एंड द कॉमर्स पीपल, आई थिंक मिस सुबा भास्कर जी, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग. प्योर विंडो ड्रेसिंग है इस स्टॉक में, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे नहीं समझ में आता. हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे पास इतने अनलिमिटेड पैसे थोड़े ना कि मैं कहीं भी लगा. मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसे मैं नहीं लगाऊंगा काम को. आपको समझ में आता है, आप लगाइए. मैंने अपना लॉजिक बताया कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता. ठीक है, मुझे 50% का मूव नहीं चाहिए, मुझे 10% का ही मूव चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस चाहिए. मुझे 15% का ही मूव चाहिए अपवर्ड इन सेल्स एंड प्रॉफिट, बट वो कंटिन्यूटी चाहिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस सर. नाउ सो दिस इज द रीजन आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक. माय क्राइटेरिया ऑफ बाइंग स्टॉक इज एकदम क्लियर.
मेरे पास फ्री के पैसे है नहीं इसलिए मैं उसको नहीं लगाऊंगा। हाँ फ्री के पैसे आप लोगों को समझा पाया कुछ चीजें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चार्ट में देखिए मैंने आपको इन्वर्स एंड शोल्डर और कभी रेंट बता, लेकिन जब तक आप 500,000 चार्ट नहीं देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं 500,000 चार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी। आप सुन लेंगे आपको पता है लेकिन आप ढूंढ नहीं पाएंगे किस दिन वो बना, किस दिन उसको खरीदना है, कब उसको बेचना है। उसके लिए आपको 25, 50, 100 चार्ट देखिए, एक दिन में 25 देखिए, 50 देखिए, 100 देखिए, देखते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब 1,000, 1,500, 2,000 चार्ट देख चुके होंगे, आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, देन यू विल स्टार्ट कि हाँ अब बाइंग का पॉइंट आ गया, अब सेलिंग का पॉइंट आ गया। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज।